My name is Yogendra Kumar, lecturer from GLI University. Today I am going to describe impact testing machine on which we can perform fracture testing. Number one, Charpy test, and number two, IJOB test. Here, ये आपका एक हैमर है और इस हैमर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो आपका ये स्केल दिख रहे हैं, देयर आर टू स्केल्स. नंबर वन इज चार्पी स्केल, नंबर टू इज आईजोड स्केल. चार्पी स्केल का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 to 300 तक होता है. ये हमारा आपको जो स्केल दिया हुआ है वो आपको जूल में दिया हुआ है, और जो दूसरा आपका दिया हुआ है आईजोड के लिए स्केल, ये आपका होता है 164 तक. ठीक है, इसका वैल्यू भी हमारा जूल में होता है. इसका जो वन डिवीजन है, छोटा वाला स्मॉल डिवीजन जो आप देख रहे हो, स्मॉल डिवीजन का जो वैल्यू है इट इज 2 जूल. यहाँ जो स्मॉल आपका डिवीजन है, इस स्मॉल डिवीजन का जो वैल्यू है इसका मतलब कितना है, 2 जूल है. तो इसका हम बोल सकते हैं कि लीस्ट काउंट जो इस स्केल की है वो कितनी है, 2 जूल है. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्पेसिमेन को हमें कहाँ रखना है. तो स्पेसिमेन को रखने के लिए हमें ये एक अलग से आपका टेबल दिया हुआ है एक तरीके का. यहाँ पर स्पेसिमेन को हम दो फॉर्म रख सकते हैं. सपोज कीजिए कि हमारे पास ये स्पेसिमेन था, स्पेसिमेन टूटा हुआ है, तो स्पेसिमेन था, और स्पेसिमेन को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझ लेते हैं. ये स्पेसिमेन है मान लीजिए, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ रखेंगे या तो इस तरीके से, या रखेंगे इसे वर्टिकली. जब हम इसे यहाँ रखते हैं आपका हॉरिजॉन्टली, तो इसे बोलते हैं आप चार्पी टेस्ट. और चार्पी टेस्ट के लिए हमें जो आपका जो स्ट्राइकर है इसका जो बीनोच है हमें रखना होता है अपोजिट साइड. और यदि हम लोग बात करें आपका आईजोड टेस्ट की, तो आईजोड में हम लोग वर्टिकल रखते हैं अपने स्पेसिमेन को, और जो उसका बीनोच हम लोग बनाएंगे वो आपका रखेंगे इसमें इसके फ्रंट साइड में जहाँ हमारा हैमर होगा. अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिकल की है. तो प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन एंड परफॉर्म द इम्पैक्ट टेस्ट बाय यूजिंग आईजोड टेस्ट एंड चार्पी टेस्ट. हम लोग जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट को करने का मतलब हमारा होता है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टफनेस ऑफ एनी मटेरियल. तो टफनेस, व्हाट इज टफनेस? टफनेस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ मटेरियल बाय यूजिंग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग. तो जब हम किसी बॉडी पर इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग के थ्रू हमारी इस बॉडी में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रेसिस्ट कर सकता है वो बॉडी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज टफनेस. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस मशीन ऑन विच वी कैन परफॉर्म आईजोड एंड चार्पी टेस्ट. एंड हियर द स्पेसिमेन जो हम लोगों को माउंट करना है जिस तरीके से, तो ये मेरा मान लीजिए स्पेसिमेन है. इस स्पेसिमेन में मैंने यहाँ पर आपका वी नोच क्रिएट किया हुआ है, और इस स्पेसिमेन में जो वी नोच क्रिएट करूंगा उसका जो एंगल होगा इट शुड बी 45 डिग्री. 45 डिग्री के एंगल पर मैं यहाँ पर एक वी नोच क्रिएट करूंगा. और ये जो आप देख रहे हो ये आपका अरेंजमेंट है चार्पी टेस्ट का. चार्पी टेस्ट में हम लोग जो अपना स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को हम लोग यूज करते हैं जस्ट लाइक अ सिंपल सपोर्टेड बीम. सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह हम इस स्पेसिमेन को यूज करते हैं, और हमारा जो हैमर है उस हैमर का जो स्ट्राइकर होता है वो हमेशा अपोजिट साइड में होता है वी नोच के. ये आपका वी नोच है, वी नोच के साइड में हमारा यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है. अब सपोर्ट के अपोजिट साइड में हम लोग हैमर को लगाएंगे, मतलब हमारा जो हैमर स्ट्राइक करेगा, जो इम्पैक्ट लोडिंग करेगा हमारा हैमर, तो वो क्या होगा अपोजिट साइड से आएगा, तो हमारा क्या होगा वर्क पीस ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, और हमारा जो स्केल होगा उसमें हमें रीडिंग मिल जाएगा कि हमारा कितना यहाँ पर रीडिंग आया हुआ है. अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कैसे करते हैं. दूसरा आपका है आईजो टेस्ट. तो आईजो टेस्ट में हमारा जो स्पेसिमेन है इट शुड बी इन वर्टिकल फॉर्म. इसको हमें वर्टिकल फॉर्म रखना होता है, और वर्टिकल फॉर्म रखने के बाद आपका ये जो वी नोच है, ये वी नोच आपका वी नोच से ऊपर तक, वी नोच के यहाँ तक लास्ट वाले कॉर्नर तक हम इसे अपना माउंट करते हैं जो टेबल दिया हुआ है उसमें. और माउंट करने के बाद जो आपका अपर पार्ट है, अपर पार्ट का जो लेंथ है इट शुड बी 27 mm. ये आपका टोटल लेंथ जो होता है इस वर्क पीस का वो आपका होता है 75 mm. मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में. और ये जो आपका हैमर है, यहाँ हैमर हमारा लगा हुआ था आपका चार्पी टेस्ट में अपोजिट साइड में, और हमें लगाएंगे क्या उसके फ्रंट साइड में जहाँ हमारा वीनोच हो रहा है, वीनोच जहाँ हमने बनाया हुआ है, वीनोच के बिल्कुल फ्रंट साइड में हम लोगों को यहाँ पर अपना हैमरिंग करनी है, इम्पैक्ट लोडिंग करनी है. ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है आईजोड टेस्टिंग का, हमें कैसे अरेंजमेंट करना है. और नीचे वाला में जरा बेस है जहाँ मुझे इसे फिट करना है, या फिर एनविल है जहाँ मुझे इसे बांधना है. नेक्स्ट, ये जो आप बात कर रहे थे आपका स्पेसिमेन के शेप एंड साइज की, तो स्पेसिमेन जो भी होगा मेरा
स्पेसिमेन जो भी होगा वो हमेशा स्क्वायर लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट का लेंगे, और उसकी जो लेंथ है वो लेंथ वेरी करती है चारपी टेस्ट के लिए और आपका आईजी टेस्ट के लिए। तो जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो आपका डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है चारपी टेस्ट के लिए। चारपी टेस्ट में आपको जो लेंथ होता है वो 55 mm रखते हैं हम, ठीक है, और इसके सेंटर में इसके बिल्कुल 27.5 आपके कॉर्नर लेंथ से लेते हैं, और उसके सेंटर में हम 45 डिग्री पर एक वी नॉच क्रिएट करते हैं जिसका डेप्थ होता है 2 mm। तो 2 mm डेप्थ तक हम इसमें 45 के एंगल पर एक वी नॉच क्रिएट करते हैं। ये स्पेसिमेन होता है मेरा किसका, चारपी टेस्ट के लिए। अगला आपका टेस्ट है आइजोब टेस्ट। तो आइजोब टेस्ट के लिए हम लोग जो बनाते हैं अपना स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन का जो लेंथ है इट शुड बी 75 mm, और 75 mm के बाद इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है 27 mm, दूसरा आपका होता है 48 mm। तो 27 mm वाला जो पार्ट होगा ये आपका अपर पार्ट होगा जो हमें ऊपर रखना है, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है 48 mm का, ये हमारा लोअर पार्ट होगा जो हमें माउंट करना है अपना जो आपका टेबल दिया हुआ है उसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दीजिए हाँ सॉरी, अभी टेबल की बात करें तो ये टेबल हमारी जो होती है ऑब्जर्वेशन टेबल से बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इंडिकेट द टफनेस वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिमेन। तो टफनेस वैल्यू हम किसी भी मटेरियल की फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए आपका मटेरियल टेस्टिंग लैब है, या कह सकते हैं इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की टेस्टिंग कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज में आपका जो टफनेस है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टफनेस की टेस्टिंग करने के लिए हमें ये निकालना होता है कि जो हमारा इनिशियल वैल्यू है विदाउट एनी स्पेसिमेन कितना है, और जब हम उसमें स्पेसिमेन लगा देंगे और स्पेसिमेन लगाने के बाद उसमें स्ट्राइक कर देंगे तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको इंडिकेट करेगा कि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर दी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट लोडिंग, ओके। तो यही मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा। अब बात करते हैं मशीन की तरफ। तो यहाँ मशीन में हम लोग देखते हैं ये मेरे जो हैमर है, अभी मैं क्या करूंगा इस हैमर को ऊपर तक लेके आऊंगा। इसका एंगल जो आपका होता है 85.5 डिग्री तक होता है, 85.21 डिग्री तक हो सकता है। तो ये आपका जितना एंगल दिया होता है उतना एंगल पर लेके, और इसे हम फ्री एनर्जी फाइंड करते हैं। फ्री एनर्जी मतलब इस पर कोई आपका लोडिंग नहीं है, और इसे हम छोड़ देते हैं, यहां से हम इसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये इस तरीके से, तो ये जो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आया आपका जो अमाउंट होगा, जब मैंने इसे फ्री एनर्जी दिया तो हमारा फ्री एनर्जी देने के बाद जो वीडियो है, जो हमारा आपका वैल्यू है वो हमारा ये स्केल आपको जीरो इंडिकेट कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, आइजो टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यदि हम चारपी टेस्ट कर रहे होते तो क्या करते, स्ट्राइकर को या हैमर को हमें पोजीशन देनी होती, इसके एक एंगल चेंज करके इस वाले आर्म को हम लोग क्या करते, इसको यहाँ से आपका लूज करते और इसे यहाँ माउंट करते इस जगह पर। जब इसे यहाँ माउंट करते तो ये आपको कहीं यहाँ हो गया था, और उसका जो टोटल एंगल है वो आपको होता 140 डिग्री। तो हम इसे 140 डिग्री से यदि स्ट्राइक करते तो आपका ये जो स्केल है वो यहाँ तक जाता ऊपर। ये चारपी टेस्ट के लिए था, अभी हमने किया वो आपका आईजो टेस्ट के लिए था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, अगले स्टेप में मैं जो आपका देख रहा हूं, यहां जो आपका टेबल है जहां मुझे स्पेसिमेन माउंट करना है, स्पेसिमेन माउंट करने के लिए मैं यहां पर स्पेसिमेन माउंट करूंगा, और फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, स्पेसिमेन माउंट करने के लिए वर्टिकली माउंट करना है। स्पेसिमेन माउंट करने के बाद फिर क्या करूंगा, दोबारा से स्ट्राइक करूंगा, और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ जितना आपका डिफरेंस आएगा इस टेबल में उस डिफरेंस को मैं यहाँ पर नोट कर लूंगा। तो जो डिफरेंस होगा आपका एनर्जी में, आपका जो फ्री एनर्जी और आफ्टर द स्ट्राइकिंग एनर्जी, वो आपको इंडिकेट करेगा टफनेस वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिमेन। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, अभी चीजों के भी बताए थे आपको। यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं स्पेसिमेन की, तो स्पेसिमेन को हम लोग यहाँ माउंट करते हैं जब क्लियर हो गया होगा, और यहाँ हमारा ये स्ट्राइकिंग हैमर होता है, और हैमर में हम लोग जो इसका जो पोजीशन है
वो आइजोड के लिए यूज करते हैं ये 85.21 मिनट का, और दूसरा आपका जब हम लोग यूज करते हैं कि हमें चार्पी टेस्ट करना है, तो ये वाला जो हैमर है हमारा, इस हैमर की पोजीशन आपकी यहाँ आ जाती है, यहाँ इसकी पोजीशन आ जाती है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो हम पूरा पार्ट है इसको यहाँ से लूज कर देते हैं, और लूज करने के बाद इसे हम माउंट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और माउंट करने के बाद इसे हम लोग जो आपका हैमर है इस पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और ये आपका हो जाता है इस तरीके से। तो ये आपका चार्पी के लिए टोटल एंगल आपका हो जाता है इस तरीके से, ये वाला 140 डिग्री, और ये जो आप पहले एंगल देख रहे थे वो आपका एंगल था ये वाला 85.21 मिनट। तो इतना आपका एंगल होता है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो या तो आईजी टेस्ट करते हैं या चार्पी टेस्ट करते हैं, और जो हम टेस्टिंग करते हैं ये आपकी टेस्टिंग कहलाती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बेसिकली मटेरियल को टेस्ट करने के लिए दो टाइप की टेस्टिंग होती है, या तो नॉन डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, हम लोग मटेरियल को वहां पर कोई फोर्स नहीं लगाते या ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। वहां हम लोग एक्स रेज का, गामा रेज का और अलग अलग टेक्नोलॉजी है आपका अल्ट्रासोनिक वेव का एक यूज करते हैं, जिससे हम लोग उनकी जो उसमें क्रैक्स हैं या उसमें इम्प्योरिटी उनको फाइंड करते हैं। मगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब हमें वो सारी चीज़ें पता नहीं होती, या अगर हम वहाँ से बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हमें मटेरियल पे जो करनी होती है वो डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्टिंग करनी होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और फोर्स अप्लाई होने के बाद वो आपका मटेरियल है जो कि आपका स्पेसिमेन है वो इट विल ब्रेक आफ्टर द अप्लाइंग एनी फोर्स। तो हम लोग वहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें वहाँ से फाइंड करना होता है। सो आपको शायद समझ में आ गया होगा, और आगे के लिए मेरा अगला वीडियो प्रेफर करना। थैंक यू।